गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर एटीएम हैक करने वाले 5 गिरोह के लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार किया गया आरोपी के पास से अब एटीएम हैक करने में इस्तेमाल किए जाने वाला लैपटॉप समेत कई सामान मिले हैं और पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना कमल अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपियों ने अब तक 100 से ज्यादा एटीएम हैक करके करोड़ों रुपए निकाले हैं और इस बात को उन्होंने कबूला भी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक्सिस और टाटा इंडिकैश एटीएम मशीन की विंडो को पेन ड्राइव लगाकर जैकपॉट आईएसओ सॉफ्टवेयर डालकर एटीएम मशीन हैक कर लेते थे। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि 3 महीने पहले उन्होंने नोएडा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, लेकिन 20 लाख रुपए और क्रेटा कार्ड लेकर छोड़ दिया। अब नोएडा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। गाजियाबाद में थाना इंद्रापुरम में एक अभियोग का अनावरण हुआ है जो एटीएम हैकिंग से संबंधित है और उसमें उसको लेके जो है कुछ अखबार में आज जो है खबरें आई थी कि उसमें नोएडा पुलिस पर कुछ एलिगेशंस आए हैं। इस संबंध में जो है मुझे माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा एक इंक्वायरी सौंपी गई है। इंक्वायरी जो है की जा रही है और यथाशीघ्र जो है उसमें जो भी तथ्य हैं उनका समावेश करते हुए आगे प्रेषित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।